एक दो महीने में ही अपना पूरा DSA भी कर लेंगे, 4-star 5-star कोडर बन जाएंगे। भाई अगर 4th ईयर के एंड तक मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें सिर्फ घूमने फिरने की बात होती है, ट्रिप्स की बात होती है, तो आपके दिमाग में भी सिर्फ ट्रिप्स चलेंगी। मेरे ग्रुप में 4 लड़के थे, मतलब इंक्लूडिंग मी। सबसे पहले अमित गूगल में गया, फिर जितेश, फिर मैं, फिर हर्ष। हम चारों इस टाइम पे भी गूगल में हैं। हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई वर्क एट गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज की वीडियो में आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करनी है। तो यार, ये साल का वो टाइम चल रहा है जहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। कोई DSA स्टार्ट करना चाहता है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। कोई बंदा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टक हो गया तो उसकी मोटिवेशन चली गई। कोई सोच रहा है कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, पता नहीं प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। मतलब बहुत तरीके के सेल्फ डाउट होते हैं। मैं पिछले 4 साल से DSA पढ़ा रहा हूँ और बहुत तरीके के स्टूडेंट से मिलता हूँ। एक कैटेगरी होती है जो बहुत जल्दी सीखते हैं, मतलब एक दो महीने में ही अपना पूरा DSA भी कर लेंगे, 4-star 5-star कोडर बन जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, मात्र 1-2%। फिर एक कैटेगरी आती है घिस्सू स्टूडेंट की, मतलब हार्ड वर्किंग वाले स्टूडेंट्स की, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके धीरे धीरे लर्न करते हैं लेकिन एट द एंड अच्छा कर जाते हैं। फिर कैटेगरी आती है थोड़े से भयभीत स्टूडेंट की, जिनके अंदर डर रहता है, या तो स्टार्ट करने से डर रहे होते हैं, एक पॉइंट पर आके डर के छोड़ देते हैं कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रही चीज़ें। और ये कैटेगरी यकीन मानना सबसे बड़ी कैटेगरी है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बाइनरी सर्च, और क्लास के बीच में स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया DSA स्टार्ट कैसे करें। मतलब मैं ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने बता दिया है कि कैसे स्टार्ट करना है, बता ही नहीं दिया है, करवा भी रहा हूँ साथ साथ, बट स्टिल दे आर अफ्रेड टू स्टार्ट। तो यार देखो, डरना नहीं है किसी भी चीज़, आप स्टार्ट तो करो एक बार, तभी तो आपको जाके पता चलेगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कितना डिफिकल्ट है, आप अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपके पास कितने सारे लोग हैं पूछने के लिए, आपके खुद के फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, कम्युनिटी हमारी कितनी अच्छी है यूट्यूब की, इतने सारे रिसोर्सेज लोगों ने बना के फ्री में डाले हुए हैं पढ़ाने के लिए। आप लिंक्डइन पे जाके किसी से पूछ लो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आपके पास इनफ हेल्प है। आप एक बार शुरुआत करो, एक बार अटैम्प्ट तो करो अपने खुद से, उसके बाद आप जाके हेल्प ले सकते हो किसी से भी अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो यार देखो, सिंपल सा फंडा है, हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अगर आपके मन में एक बार डर बैठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे को ध्यान है, एक बार मेरी सिस्टर ने मेरे से बोला था, छोटी सिस्टर है मेरी, DTU में सेमी कॉलेज से पढ़ी हुई है, उसकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, तो उसने कोडिंग वगैरह नहीं करी थी कभी, उसको बहुत सेल्फ डाउट वगैरह आते थे। वंस शी आस्क्ड मी कि भाई अगर 4th ईयर के एंड तक मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर मैंने कहा, देखो अगर ये सोचने लग गए हम, तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस या इनपुट देने वाले हैं, उसमें कमी रह जाएगी। तो विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, आप बस लग जाओ और अपना करना स्टार्ट कर दो। जस्ट इन केस 4th ईयर के बाद भी प्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या हो जाएगा यार? उसके 6 महीने बाद लग जाएगी, 1 साल बाद लग जाएगी। अगर हमने इनपुट डाले हैं तो हमें आउटपुट तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो यार आपको ना बस स्टार्ट करना है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, और अगर आती है तो DSA से स्टार्ट कर दो। एरेज, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, इतनी सारी प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, मैंने भी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, इसके बारे में आपको एंड में बता दूंगा। तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, बहुत सारे लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अब यार दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी संगति कैसी है। अब कॉलेज में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अगर आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें सिर्फ घूमने फिरने की बात होती है, ट्रिप्स की बात होती है, तो आपके दिमाग में भी सिर्फ ट्रिप्स चलेंगी। और अगर आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जहाँ पर लोग फन तो कर रहे हैं अपना टाइम पे, लेकिन थोड़ा सीरियस भी है, अपने करियर को लेकर थोड़ा सीरियस भी है, तो आपके दिमाग में भी थोड़ा सा रहेगा कि यार मेरे को कॉलेज में कुछ करके जाना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, इनकी मजबूरी नहीं है जॉब लेना, उनके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान्स हैं। अपना क्या सीन था, मेरे को पता था यार मेरे पापा ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, ही वॉज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, और अब जो भी करना है मेरे को जॉब तो लेनी है यहाँ से, वरना मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, कोई बिजनेस तो है नहीं अपना, जाके बैठ जाएंगे इसके बाद। तो अपनी प्रायोरिटीज़ ही पता होनी चाहिए आपको। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार अगला बंदा जो प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहा है, उसके पास कोई बैकअप प्लान तो नहीं है। अगर उसके पास बैकअप प्लान है तो क्यों करेगा वो तैयारी इतना सीरियसली। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे ग्रुप में 4 लड़के थे, मतलब इंक्लूडिंग मी, एक मैं था, एक अमित था, एक जितेश और एक हर्ष। सबसे पहले अमित गूगल में गया, फिर जितेश, फिर मैं, फिर हर्ष। हम चारों इस टाइम पर भी गूगल में हैं, हम क्योंकि हम जाना चाहते थे वहाँ पर, राइट। तो इट इज़ ट्रू दैट यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो कीप अ चेक ऑन दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगता है कि यार ठीक है चिल मार लेते हैं, क्या हो गया, आज एक दिन चिल मार लेंगे, बाहर चले जाएंगे तो क्या हो गया। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का खुद रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपके सर्कल में जो बंदे हैं, क्या वो आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करवा रहे हैं, क्या उनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ तो नहीं है। फन करो, फुल मस्ती करो, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है, प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो यार मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये भी बता दूँ कि आई वॉज नॉट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ दैट 1-2% जो बहुत चीज़ बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं. आई वॉज फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ दैट घिस्सू वाला स्टूडेंट. आप लोग मेरा 2019 का ग्राफ देख लेना लीड कोड का जा करके. एक भी दिन ऐसा नहीं है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सबमिट नहीं किया है. मैं रेगुलरली कोडिंग कर रहा था पूरे एक साल तक. तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे. पहला, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से. और दूसरा, मेक श्योर कि यू आर विथ लाइक माइंडेड पीपल जिनकी प्रायोरिटीज सेम है. अब यार मैंने एक DSA कोर्स भी स्टार्ट किया है जहाँ पर आई एम गोइंग टू कवर ऑल द DSA कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी सिंपल वे. तो सारी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं. लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी. हम लोग लाइव क्लास में पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पैटर्न्स दिखना स्टार्ट हो जाए. जब आपके इंटरव्यू में या टेस्ट में कोई क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट क्वेश्चन कि यार ये इस पैटर्न में फॉल करता है, एंड आप सिंपल एल्गोरिथम में डेटा स्ट्रक्चर लगा पाएंगे वहाँ पर. इसके बाद आई विल ऑल्सो गिव यू असाइनमेंट्स ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए. हम लोग जो क्लास में सीख रहे हैं वो चीज़ हम इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हैं. यू विल ऑल्सो गेट 1 ईयर प्लेसमेंट सपोर्ट. अब इसका मतलब क्या है? तो यार 4 महीने का कोर्स है. कोर्स खत्म होने के बाद आप लोग को 1 साल का प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाएगा जिसमें एक पूरा प्रोसेस होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस. तो कंपनीज विल कम एंड यू विल बी एबल टू सिट फॉर दोज कंपनीज. देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर दैट. एक छोटा सा क्राइटेरिया होगा, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा कि आप लोग कोर्स कंप्लीट करें. 70% क्वेश्चंस आपको सबमिट करने हैं एंड ऑल. तो ये तो हो गई DSA की बात. अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती उनके लिए 1 महीने का अलग से मॉड्यूल है फॉर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दे कैन चूज C++ और जावा, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं. साथ ही साथ आपके डाउट सेशंस भी होंगे, इंस्टेंट डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, मेंटर सेशंस भी होंगे, एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, रिक्रूटर्स के साथ एंड हायरिंग मैनेजर के साथ भी सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे सो दैट यू आर ओवरऑल इंटरव्यू रेडी. तो कोर्स में बहुत ही मजा आने वाला है. 5th of August से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑन इट जो कि 3 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा. तो 3 दिन के लिए एक डिस्काउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना. तो यार लगे रहो, मेहनत करते रहो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो. इतनी जल्दी हार थोड़ी ना माननी है हमें तो मचाना है. तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.